तो आप सबका स्वागत है। आज हम खेल रहे हैं 1-2-6-5-0 कर्नाटका से संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो अभी हमारी जो करंट लोकेशन है वो भोपाल स्टेशन है, और अभी हमारे जाने में 3 मिनट से थोड़ा ज़्यादा का समय बाकी है, और पीछे से कोई ट्रेन आ चुकी है। ये अपनी WDG4 के साथ DCNHL फ्राइट ट्रेन है। तो आगे चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका जो साउंड है वो बहुत ही ख़तरनाक है। तो थोड़ा यहाँ आके बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत ही जल्दी जल्द ही हमारे 1500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ओनली 2 सब्सक्राइबर ही बाकी है। तो आई थिंक ये वीडियो रिलीज़ होने से पहले आई थिंक हो जाएंगे, बट अभी तक आपने नहीं किया और सब्सक्राइब तो कर देना। और आज जो है वो मैं मेरे कुछ प्रीवियस वीडियो के कमेंट है उसको मैं पढ़ने वाला हूँ, तो जो भी हेल्पफुल कमेंट होंगे सबके लिए उसको मैं पढ़ूँगा। तो थोड़े साउंड जो है वो कम कर लेता हूँ। और सामने से आ रही है अहल्या नगरी एक्सप्रेस, रस्किन एक्सप्रेस विथ वैप्सवन लोकोमोटिव। तो देख सकते हो कि दक्षिण एक्सप्रेस वैप्सवन के साथ अराइव की है भोपाल स्टेशन पे। तो चलो आ जाते हैं, अपने पैसेंजर व्यू में आते हैं और देखते हैं वो ट्रेन को, क्योंकि बाहर तो बहुत ही नॉइज़ आ रही है। तो देखते हैं कौन सा जो है कमेंट है। तो चलो देखते हैं। तो पहला कमेंट है अजय गुप्ता जी का, वो बोल रहे हैं बालिया सियालदह एक्सप्रेस का वीडियो बनाओ। ओके बनाते हैं। फिर बोल रहे खान साहब अकदास, बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ वीडियो एक वीडियो ऑन भोपाल एक्सप्रेस। तो भोपाल एक्सप्रेस कौन सी भोपाल एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर तो एक बार लिखो तो जरा पता चले कि कौन सी ट्रेन है वो। वैसे तो भोपाल बहुत सारी ट्रेन आती है, तो कौन सी भोपाल एक्सप्रेस का मैं वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ जब भी आप रिक्वेस्ट करो तो बता दिया करो। कई बार मैं नहीं बना पाता, मैं इसी वजह से कि मुझे ट्रेन नंबर नहीं पता होता तो मैं नहीं बनाता वो वीडियो, और आप लोग बुरा मान जाते हो। कोशिश तो पूरी रहती है कि मैं सबकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी करूं, पर कई बार नहीं होती है, तो उसके लिए सॉरी। दक्षिण एक्सप्रेस वैप्सवन के साथ अपनी भोपाल स्टेशन पे हॉल्ट ले रही है, और आज जो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी वो भोपाल स्टेशन से स्टार्ट होगी। और इस ट्रेन ने डिपार्ट लिया है, ज़रा देखते हैं। तो BCNHL फ्राइट ट्रेन ने डिपार्ट ले लिया है, तो हमारे आगे आगे निकल चुकी है BCNHL फ्राइट ट्रेन। तो आज जो हमारी जर्नी है वो भोपाल से स्टार्ट होकर नागपुर तक रहने वाली है, काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। ये एक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, तो स्टॉप बहुत ही कम रहेंगे, लिमिटेड स्टॉपेज के साथ हम नागपुर जंक्शन पहुंचेंगे। और बीच में जो है वो इटारसी स्टेशन को भी जो है वो स्किप मारेंगे नॉन स्टॉप। तो चलो हमारे जाने का टाइम जो है वो हो चुका है। तो आज जो हमारे पास जो लोकोमोटिव है ये है अपना ब्रॉडगेज प्रोडक्शन का वैप्सवन लोकोमोटिव। तो आई थिंक जो मेरे हेडफोन है वो थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, तो आई होप जो मेरी साउंड है वो सही से आए, क्योंकि एक ही बाजू का जो हेडफोन है वो अब वर्क कर रहा है। तो HOG फिटेड लोकोमोटिव लाल घोड़ा शेड का वैप्सवन लोकोमोटिव, और ये ब्रॉडगेज प्रोडक्शन का लोकोमोटिव है। तो कोई भी प्लीज़ इसका जीप नेम नहीं पूछना, क्योंकि ये लोगों एक केवल लोकोमोटिव है, तो मैं इसका जीप नेम जो है वो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि केवल लोकोमोटिव तो आपको बाय ही करना पड़ेगा। कौन सुन सकते हो आप?
बहुत ही बढ़िया ये हॉर्न लगा मेरे को। आ जाते हैं अपने पैसेंजर व्यू में और निकलते भोपाल स्टेशन से। तो ज़रा अपने स्टॉपेज पे नज़र डाल लेते हैं, कहाँ कहाँ हमारा जो स्टॉपेज है वो रहने वाला है। सिर्फ भोपाल से नागपुर के बीच में एक ही स्टॉपेज रहेगा, दाराकोह स्टेशन, जो हमें पहुँचना है 5:50 पर। भी हमारा स्टॉपेज नहीं है, रियल में तो नहीं लेती ये ट्रेन, जो दाराकोह स्टेशन है वहाँ पर हमें बैंकर्स के लिए रुकना पड़ेगा वहाँ पे। रियल में सीधे ये ट्रेन चलती है तो भोपाल से सीधा नागपुर ही रुकती है। चलो निकलते हैं। और नेक्स्ट कमेंट है रसीदा खंभाती का, बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेक वीडियो ऑफ खंभात आनंद DEMU ट्रेन। तो खंभात से आनंद तक कोई रूट अवेलेबल नहीं है, तो सॉरी रसीदा खंभाती, मैं आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी नहीं कर पाऊँगा। तो काफ़ी सारे कमेंट थे, पर जो यूज़फुल होंगे वही का मैं अपने कमेंट में यानी कि अपने वीडियो में जवाब दूंगा। नेक्स्ट कमेंट है दाराकोह स्टेशन, जो यहाँ से है 119.9 किलोमीटर लेफ्ट। तो 119.8 किलोमीटर और टाइम हमें दिया गया है तकरीबन, आप समझ लो 25:20 से हमारा डिपार्चर, 1:30 का टाइम दिया गया है 119 किलोमीटर करने के लिए। तो हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बीच में जो है वो बुधनी घाट को भी हमें क्रॉस करना है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपनी। तो खान साहब का एक और कमेंट है, भोपाल एक्सप्रेस को ट्रेन नंबर तो लिखो, भोपाल एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस क्या भी बोल रहे हैं, अंडमान है आई थिंक, आपसे जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो राठौर घनश्याम जी बोले ब्रो अहमदाबाद टू भुज तक वीडियो बनाओ, तो लाइव स्ट्रीम करेंगे अहमदाबाद से भुज की वीडियो की, और बहुत ही जल्द आ जाएगी जब भी मैं लाइव स्ट्रीम नेक्स्ट करूंगा, तो आपकी वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द। मेड हेल्थ सपोर्ट, चलो उनका तो मैंने रिप्लाई दे दिया है। तो नेक्स्ट कमेंट है डिमेंटर्स ऑफिशियल जी का, वो बोल रहे हैं कि हाउ टू डाउनलोड दिस एक्टिविटी। तो उन्होंने जो कमेंट की है वो कमेंट मेरे जो है वो अहमदाबाद मुंबई तेजस वाले वीडियो में की है, जो मैंने खांडेस रोड पे बनाया था। तो खांडेस रोड के एक, तो आपको खांडेस रोड आपके पास है तो आप खांडेस रोड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, कहीं और से ये एक्टिविटी नहीं मिलेगी। और खांडेस रोड नहीं है तो एक डाउनलोड करके क्या करोगे। तो ये लेवल क्रॉसिंग हम क्रॉस कर रहे हैं फिलहाल, तो है हमें मिल चुकी है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट, पर आगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट, हबीबगंज स्टेशन को स्किप मारेंगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट पे। यतीन रावल जी बोले बहुत अच्छा गेम प्ले, यानी कि उन्होंने गुजराती में लिखा है बहुत सरस गेम प्ले। उन्होंने ये मेरी जो है वो टाटा स्टील एक्सप्रेस की पार्ट 2 में कमेंट किया था। तो अज्जू गेमिंग बोल रहे हैं कि ट्रैक साउंड गजब है टाटा स्टील एक्सप्रेस की जो वीडियो में है, तो ट्रैक साउंड बहुत ही बढ़िया उसमें यूज़ किए हैं टाटा स्टील में। थोड़ी सी जो मेरे हेडफोन की जो आवाज़ है उसको कम करता हूँ और हॉर्न बजाते हैं। आगे लेवल क्रॉसिंग है और लेवल क्रॉसिंग पे तो सब कोड ताड़ के निकल रहे हैं लेवल क्रॉसिंग पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो नीचे
आप देख रहे हो नीचे तो कोई बात नहीं है, हमारे नीचे से जाएगी, अंडर पास है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेवल क्रॉसिंग पे रुकना तो सुनील कुमार सिंह बोले भाई प्लीज़ मेक वीडियो और हाउ टू मेक कंसिस्ट, आगे बढ़ता हूँ उनका मिस, हाउ टू मेक कंसिस्ट ऑफ प्रिंट फॉर मिसिंग रोलिंग स्टॉक। तो आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि जो मिसिंग कंसिस्ट होते हैं उनको कैसे रिप्लेस किया जाए और उस पर एक वीडियो बनाएं, बहुत ही जल्द चलो बनाएंगे उस पर एक वीडियो, वो बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो एक बार मैं बना के समझा दूंगा आपको कि जो आप एक्टिविटी डाउनलोड करते हो तो उसका जो कोई स्टॉक मिसिंग है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो मेरे मानने में तो ऐसा ही है कि अगर आप में कोई स्टॉक मिसिंग है तो क्या करें, उसको रिप्लेस ही करें, सिवाय कि आप उसको trainsim.com पे ढूंढे, उसका जीप नेम ढूंढे, उससे अच्छा है कि आप उसको रिप्लेस ही कर ले तो अच्छा रहेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप सुनील कुमार सिंह आप सोच रहे हो रिप्लेस करने का, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में वीडियो बना के। तो ये कमेंट बड़ा इंस्ट्रक्टिंग है और बीसी नेचुरल फ्लाइट ट्रेन को हम जो है वो वर्ड एक मार रहे हैं, चलो ऑपोजिट लाइन पे कैसे ये रुक गई है और सिग्नल हमें नहीं मिले है तो ब्रेक्स लगाते हैं। पढ़ता हूँ मैं इंस्ट्रक्टिंग कमेंट है, इंटरेस्टिंग जो कमेंट है उसको मैं पढ़ता हूँ। तो WDG4 आप देख सकते हो WDG4 था, चलो सिग्नल मिल चुके हैं तो फिर से अब एक्सेलेरेट करनी पड़ेगी हमें हमारी ट्रेन को। तो अभिज्ञान कुमार बोल रहे हैं कि मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं, इनकी आप मेरी वीडियो की रिक्वेस्ट, तो ये बोलते हैं तो भी आप मेरी वीडियो की रिक्वेस्ट नहीं सुनी, प्लीज़ संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ND LS2 RJPB राजेंद्र नगर की वीडियो बनाओ दो। तो अभिज्ञान कुमार जी आपका मैं रिप्लाई देता हूँ, सामने से पाताल कोट एक्सप्रेस आ रही है, हमें क्रॉस देने वाली है और हम जो है वो हबीबगंज स्टेशन को भी स्किप मारने वाले हैं। पाताल कोट एक्सप्रेस 1 4 6 2 3 पाताल कोट एक्सप्रेस विथ वेब 5 हमें क्रॉस दे रही है, तो चलो स्किप मारते हैं हॉर्न बजाते हुए। और भाई अभिज्ञान कुमार जी आपकी कमेंट और आपका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आपने ये सोच रहे होंगे कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं देता, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ, यह कमेंट मैंने आपकी पहली बार देखी है तो प्लीज़ झूठ ना बोलिए, जो रोज़ आते हैं रोज़ कमेंट करते हैं उसका मैं उनको पता होगा कि मैं जब भी मौका मिलता हूँ या फिर जो यूज़फुल क्वेश्चन होते हैं सबके लिए उसका मैं कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, और मैं टाइम टू टाइम जो कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई मैं अपनी वीडियोस में भी ऐसे कमेंट करके देता हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा सही से बोलो, नहीं तो हम भी क्या करें, तो थोड़ा यार ध्यान रखो, मैं हर एक के कमेंट पढ़ता हूँ, आप पहली बार कमेंट कर रहे हो, आपने सालों पहले किया होगा तो मुझे याद नहीं है पर अभी तो आपने कमेंट किया ही नहीं है, तो प्लीज़। और इधर ड्यूल वैग 9 के साथ बॉक्सन एच एल नहीं है, मिक्स फ्लाइट ट्रेन है, हबीबगंज जंक्शन पे खड़ी हुई है, तो LHB कोचेस भी और ये इलेक्ट्रिक लोको सेल लग रहा है हबीबगंज पे, तो चलो इस तरफ आ जाते हैं। तो विकास पाल बोल रहे हैं और हमारे विकास पाल बोल रहे और कहाँ गए दूसरे, हमारे जू गेमिंग बोल रहे हैं कि भाई
आपकी जो कमेंट्री की वॉल्यूम है वो बहुत कम आ रही है, दोनों के सेम है, जो कमेंट है वो दोनों के सेम ही है, और बोल रहे हैं कि आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, तो गेम का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है और मेरी जो आवाज़ है वो कम आ रही है। तो कल जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो आई डोंट नो भाई मेरे माइक के साथ क्या हुआ, तो मेरे माइक ने जो है वो इतनी कम जो है वो मेरी साउंड रिकॉर्ड की। तो आइंदा मैं अब से ध्यान रखूँगा कि मेरी साउंड वो कैसी आ रही है। तो सॉरी फॉर डैट कि यार मैं गलती से हो गया हूँ, और हम चलो नया माइक ही लेंगे अब। तो मैं अब नया माइक लेने वाला हूँ, और जो मेरी शेविंग थी उसकी मैं माइक लेने वाला हूँ। मैंने सोचा बाद में लूँगा, पर अब मुझे लगता है कि ज़रूर है मेरे को माइक की। तो सामने से आ रही है 01666 अगरतला हबीबगंज स्पेशल ट्रेन विद WM4 लोकोमोटिव। तो जो मेरी सेविंग थी, जो भी मेरे म्यूचुअल फंड में मैंने सेविंग की थी, उसको मैं बेच के अब माइक ले लूँगा ब्लू एटी का। तो वो मैंने रिक्वेस्ट भी डाल दी है उसको बेचने की, तो दो तीन दिन में उसके पैसे आ जाएंगे, उसके बाद मैं ले लूँगा ब्लू एटी। तो उसके बाद आई होप जो साउंड की प्रॉब्लम है वो ना हो, क्योंकि ब्लू यूआईटी से अच्छा माइक तो कोई नहीं है अभी तक। तो लेंगे, चलो ब्लू यूआईटी लेंगे, और थोड़ी 500 रुपये जो मेरी तरफ से डालने भी पड़ेंगे मेरी सेविंग को अलावा, मेरे जेब से भी पैसे जाएंगे क्योंकि इतनी सेविंग नहीं थी। तो चलो माइक ले लेंगे हम, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये माइक अब जो है वो मेरे काम में नहीं आएगा इतना, और बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा है ये माइक। तो खान साहब बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस हो गया है, आवाज़ बहुत कम आ रही है। उन्होंने भी आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति की वीडियो है, तो आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति की जो वीडियो है उसमें साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें इन्होंने लिखा है कि कोरोना वायरस हो गया है ?, और आवाज़ बहुत कम आ रही है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, और आपकी कमेंट पढ़ के मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी एज जो है वो ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि आप जो कोरोना वायरस है उसको इतना सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो, जो कि कोरोना वायरस बहुत ही लाइटली ले रहे हो, और कोरोना वायरस हो गया है ऐसा मुझसे पूछ रहे हो। तो भाई कोरोना वायरस जो है ना इतना ख़तरनाक वायरस है, आपको अभी उसके बारे में पता नहीं है। तो कोरोना वायरस दुश्मन को भी ना हो ऐसी दुआ करना भाई, आपको तो इसकी सीरियसनेस जब समझ में आएगी तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जो है वो क्या है। तो प्लीज़ यार थोड़ी सीरियसनेस समझो, ऐसी बातें मत लिखा करो। और वैसे भी जो हमारे सिटी में जो है वो, और मेरे एरिया में जो है वो केसेस जो है वो बढ़ने लगे हैं, और दो लोगों की डेथ हो चुकी है, तो दो लोगों की डेथ हो चुकी है ये कोरोना वायरस की वजह से हमारी एरिया में। तो यार थोड़ा सीरियसली लो खान साहब, और मुझे कमेंट पढ़ के आपका कमेंट पढ़ के ऐसा लगा कि आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है। मिस रोड स्टेशन को हम जो है वो स्किप मार रहे हैं, और अपोजिट लाइन की लूप लाइन पे एल्को लोकोमोटिव के साथ अरुणाचल फ्राइट ट्रेन खड़ी हुई है। तो यही मेरी थिंकिंग है आपके बारे में, और इधर भी हम जो है कोई ट्रेन को जो है वो स्किप मार रहे हैं, ओवरटेक मार रहे हैं, ये अपनी BCNHL फ्राइट ट्रेन कहाँ गई। तो लोकोमोटिव कौन सा था, आई थिंक रेक ही खड़ी हुई है BCNHL फ्राइट ट्रेन की। तो चलो लोकोमोटिव कहाँ गया होगा। तो नेक्स्ट कमेंट है RFNTS का, बोल रहे हैं कि ब्रो आई नीड कोचिस प्लीज सेंड इट ब्रो। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति के कोचिस के बारे में मांग रहे हैं,
सामने से आ रही है 12975 में सूर जयपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस विद आप सब लोकोमोटिव। तो चलो बहुत ही बढ़िया स्पीड में गई है। तो आरएफ एंड टीएसजी अपनी आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पार्ट वन में कमेंट किया था ये, और वो कोचिस मैंने WCR के यूज़ किए हैं। तो क्या है कि वो कोचिस में नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वो खंडे सूट के थ्रू क्लियर है उनके लिए ही अभी, तो वो नहीं दे पाऊँगा आपको। मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है हमारी, ICF ट्रेन है तो 110 ही रहेगी, और दो आगे पार्सल वैन लगे हुए हैं, और ये हमारा लालगुड़ा वापसा लोकोमोटिव हमें लीड कर रहा है, और बहुत ही बढ़िया लोकोमोटिव है, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। रॉर्गेस प्रोडक्शन का वापसा वन है, और ये रूट है वेस्टर्न रेलवे V7 रूट में, रूट के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं। और ये एक्टिविटी जिन्होंने बनाई है ये है सागर झा जी, तो सागर झा जी की एक्टिविटी है। तो एफ मित्र और रूट के बारे में तो मैंने बताया नहीं, इतनी बातें कर ली। तो चलो कमेंट यहीं तक रखते हैं, अब अपनी जो जर्नी है उस पर ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो बाकी रहा है वो 104 किलोमीटर बाकी रहा है, और टाइम पे पहुंचना है क्योंकि वहाँ पे हमारे जो बैंकर्स हैं वो भी हमें उससे अटैच होंगे थोड़ा शॉटल पर, और ज़रूर पड़ेगी क्योंकि 1% जो है वो हमारी ट्रेन लाइन कर रही है, और काफ़ी लैग होती है हमारी ट्रेन को, एक बार इस स्लो कर लेते हैं। मंडीप स्टेशन को स्किप मार रहे हैं, और अपोजिट लाइन की लूप लाइन पर बैक ऑन एक फ्लैटबेड खड़ा हुआ है मंडीप स्टेशन की लूप लाइन पे, उल्ली हॉकिंग करके जो है वो स्किप मार रहे हैं। इसमें ले जाता हूँ वाइपर्स यार क्यों ऑन हो जाते हैं ये पता नहीं चलता है, क्योंकि वी के बाजू में ही बी है, तो जब भी मैं ऑन बजाने जाता हूँ तो वी थ्रेस हो जाता होगा, इस वजह से वाइपर्स चालू हो जाते होंगे। और जो है वो रॉर्गेज प्रोडक्शन के वेबसाइट में जो जब कैबी में आते हैं तब गेम काफ़ी लैग होता है, ये आप देख पा रहे हो कि काफ़ी जो गेम है वो लैग हो रहा है, वो पीछे आ जाते हैं अपने पैसेंजर व्यू में। मैं ही याद चाहता कि जो गेम है वो क्रैश हो, और जो हमारी स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली गई है, तो टोटल पावर जो वो थोड़ा सा रिलीज कर दिया मैंने। तो लास्ट का SLR कोच देख सकते हो आप, ये हमारा लास्ट का SLR कोच। अपोजिट लाइन का सिग्नल येलो हो चुका है, तो कोई ना कोई ट्रेन आएगी, और बुदनी घाट कैसा है ये देखेंगे हम वेस्टर्न रेलवे V7 में, और सामने से देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। ट्रैक 4 के साथ पूरी जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस 20813 पूरी जोधपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस को क्रॉस ले रही है बहुत ही बढ़िया स्पीड में, और बुदनी घाट में मैंने कभी यहाँ आया नहीं हूँ, यानी कि ये रूट में बुदनी घाट पर नहीं आया हूँ कभी भी। तो देखेंगे कि वेस्टर्न रेलवे V7 में बुदनी जो घाट है वो कैसा बना हुआ है। तो जो भी बोलो बाकी वैक्सान बहुत ही बढ़िया है, उनकी सर्विस जैसे भी हो तो लोकोमोटिव एक नंबर है। और कोई ट्रेन को भी ओवरटेक मारने वाले हैं, हमारे बाजू आई थिंक DCNHL खड़ी हुई है, और अपोजिट लाइन के लूप लाइन पे अपने WDG4 के साथ DCNHL है, और हमारे तरफ भी DCNHL के कोचिस हैं। तो बेदुल्लागंज स्टेशन को हम स्किप मार रहे हैं, देखिए कौन से लोकोमोटिव के साथ है ये। तो इसका कैबू नहीं है पर लोकोमोटिव आई थिंक है, हाँ वैग 5 लोकोमोटिव है, WG5 ड्यूल WG5 लोकोमोटिव विद DCNHL फ्राइट ट्रेन। तो देख सकते हो ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के जो कोचिस है वो कैसे है, ये ब्रॉडगेज प्रोडक्शन का लोकोमोटिव सॉरी ICF कोचिस तो नहीं है उनके, और अभी उन्होंने नहीं बनाए, तो देखते हैं कब तक बनाते हैं।
कोशिश करेंगे लेने का जब भी वो बनाते हैं, और थोड़ा एक्सलेशन पावर बढ़ाते हैं 0.8% जो हमारी ट्रेन अब क्लाइंब कर रही है। 100% हटल पावर हमने ओपन कर दिया है, तो थोड़ा अब हटल पावर अपना एक्सलेट कर लेते अपनी ट्रेन से। 97 किलोमीटर बाकी रह गया है दारा खाहू स्टेशन, दारा को वहाँ पे हमें बैंकर्स लगेंगे दारा को स्टेशन पे। तो थोड़ी लंबी जर्नी करेंगे क्योंकि जो है वो रूट है वो रियल डिस्टेंस बेस्ड रूट है, और रियल डिस्टेंस बोले तो कई बार ये रूट में जो है वो जो दो स्टेशन है तो बीच में डिस्टेंस होता है वो डबल हो जाता है, और सामने से सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस हमें क्रॉस दे रही है 11464 विथ वैप्स ऑन लोकोमोटिव जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस, और ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के अलग भी कोचेस भी है। तो बहुत ही जल्द खेलेंगे हम सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस, और आप देख सकते हैं नीचे आई में अबिदुल्लागंज स्टेशन कैसे दिख रहा है, पूरा कर लेके हमारी ट्रेन अब आई है इस तरफ, और क्लाइम भी कर रही थी काफ़ी बढ़िया क्लाइम हमने किया 100% टोटल पार ट्रेन रखा है, और आईजीपुर स्टेशन को भी अब हम जो है वो स्किप मारने वाले हैं। तो पार्ट वन अभी पूरा बहुत ही जल्द मैं कर दूंगा, तो आज भी कुछ भी वर्क नहीं हुआ ये एक्टिविटी पे, और BCNHL फ्लाइट ट्रेन बाहर किरा स्टेशन पे खड़ी हुई है। तो बहुत सारी जो BCNHL फ्राइट ट्रेन है, BCNHL नहीं है, BTPN फ्राइट ट्रेन है, सॉरी BTPN फ्राइट ट्रेन बारकिरा स्टेशन पे खड़ी हुई है, और आगे है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। टोटल पावर जो है वो रिलीज करते हैं, काफ़ी हमने स्पीड में जर्नी कर ली, बैक साउंड लोकोमोटिव के साथ है BTPN फ्राइट ट्रेन। तो इस तरह आ जाते हैं, चलो अब जो है वो घाट सेक्शन जो है वो शुरू होने वाला है, 1% के ऊपर ही जाएगा ग्रेडियंट, अभी 1.3% है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट है, आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। ट्रेन को टाइम टू टाइम सेव करना पड़ेगा, और गजब का लैग होता हुआ, आई डोंट नो आई थिंक इतनी FPS क्या ड्रॉप हो रहे हैं, तो कुछ करते नहीं, आराम आराम से ही जाते हैं। वैप्सान लोकोमोटिव के साथ लाल घोड़ा सीड का वैप्सान, फॉलो करते हैं, वैसे तो क्लाइंब कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आई थिंक हो जानी चाहिए 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फॉलो, पर नहीं होती है तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। 50% जो टोटल पावर ओपन करता हूँ, चलो सुनाता हूँ आगे, पहले 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो फॉलो कर ले हम। तो अब यहाँ से जो है वो बुधिनी घाट सेक्शन चालू हो चुका है, और अब जो है वो ग्रेडियंट बहुत ही आने वाले हैं आगे जाके, तो संभल के जर्नी करनी पड़ेगी हमें। तो चलो ट्रैक साउंड सुनाता हूँ आपको कैसे बज रहे हैं ट्रैक साउंड। और सामने से ऑपोजिट लाइन पे कोई ट्रेन हमें क्रॉस देने वाली है, आ गई ये, आ रही है वैप 4 के साथ, देखते हैं देख पाते हैं या नहीं। वैप 4 के साथ 12969 कोयम्बतूर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस विथ वैप 4 लोकोमोटिव हमें क्रॉस दे रही है,
बीच में चट्टान, बहुत ही खतरनाक चट्टान थी। तो चलो अब आपको जो ट्रैक साउंड है वो सुनाता हूँ। जैसे बज रहे थोड़ा शटल पावर बढ़ा देते हैं कि 1.6% जो है वो हमारी ट्रेन अब क्लाइंब कर रही है। ट्रैक साउंड ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थोड़ा टोटल पावर कम करते हैं क्योंकि वो स्पीड हो रही है थोड़ी सी, 1.8% जो हमारी ट्रेन जो है वो क्लाइंब कर रही है। तो ऑटो पायलट को नहीं देते, हम ही चलाते हैं अपनी ट्रेन को। ऑटो पायलट को मजा नहीं आता, उससे ही कंट्रोल करेंगे क्योंकि रियल लाइफ में थोड़ी ऑटो पायलट होता है वेब साउंड में, तो नहीं यूज करेंगे। बहुत ही हॉकिंग करके हम चल रहे हैं और इटासी स्टेशन को स्किप मारेंगे। खतरनाक स्पीड में तो नहीं मार सकते, 10 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट होगी वहाँ पे, तो मारेंगे उसको स्किप फटाफट से। 57.5 किलोमीटर लेफ्ट ट्रैक है धारापुर स्टेशन। आई थिंक फॉल्ट नहीं है ये ट्रेन का, पर बैंकर्स के लिए हमें रुकना पड़ेगा। रियल लाइफ में तो चलती है भोपाल से तो सीधा नागपुर जाके रुकती है, तो बहुत ही नॉन स्टॉप रन है इसका। और जो नागपुर है वो हमें 8:22 में पहुंचना है नागपुर में। नागपुर के रियल लाइफ में ये पहुंचती है नागपुर 10:15 पर, तो रात को, पर हमारी एक्टिविटी में जो है वो 8:22 पर पहुंचना है। और सामने से कोई ट्रेन आ रही है वेब सॉन के साथ, ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के एनएसबी कोचिज के साथ है। तो ये है 11203 नागपुर जयपुर वीकली एक्सप्रेस विथ वेब सॉन लोकोमोटिव और ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के एनएसबी कोचिज के साथ। पहले भी कुछ मिले हुए हैं ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के लिए ट्रेन को, अच्छी बात है। जो भी ट्रेन के कॉन्सेस जो मिसिंग होते हैं उनको मैं ब्रॉडगेज प्रोडक्शन की एलएसबी कोशिश देता हूँ। जो भी ट्रेन को एलएसबी फाइड है उसको ही एक्सेप्ट को नहीं देता हूँ, तो ये बात भी ध्यान में रखना। जो ट्रेन INSB में चलती है उसको मैं दे देता हूँ। चालू है हमारा लोकोमोटिव, ये देख सकते क्या व्यू आप, क्या यार क्या व्यू, झालिंग क्या व्यू है। ये दिन में लाइट भाई बंद करो, लाइट बंद करो, ये हमने लाइट जो है वो बंद कर दिया। और यार सर्किट ब्रेकर लाइट बंद की, ये क्या हुआ, हमारा जो लोकोमोटिव है वो बंद हो चुका है। चालू करते हैं, आई होप ख़राब ना हुआ हो। चलो हो गया है चालू, आई थिंक तो मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ हो गया है। चलो लोकोमोटिव बंद हो गया है। यार ये लाइट बंद की और इसका और इसका क्या कनेक्शन है, लोकोमोटिव तो यार यहाँ से बंद होता है, ये हमने लाइट बंद की, सर्किट ब्रेकर भी बंद, आई डोंट नो आई क्यों।
ज़्यादा बकचोदी नहीं करते ये लोकोमोटिव के साथ, बहुत ही परेशान कर देगा अगर ये बंद हुआ तो। और ये क्या नज़ारा है यार, इसका थंबनेल तो बनाना बनता है, ये देख सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया वर्क किया है भाई अनूप सोनी जी, अपूर्व सोनी जी। अनूप सोनी जी तो क्राइम पेट्रोल वाले हैं अपने, अपूर्व सोनी जी, अनूप सोनी क्या मैं याद करता हूँ क्राइम पेट्रोल देख देख के, नहीं देखना चाहिए, बहुत ही बेकार शो है। तो अपूर्व सोनी जी का ये रूट बहुत ही बढ़िया, आगे 110 किलोमीटर पर और 30 किलोमीटर मिल जाएगी हमें, तो अच्छा है। जैसे बुधनी घाट सेक्शन पर जो पहाड़ वाली फीलिंग आनी चाहिए, जो हमारे बाजू में से ही पहाड़ निकले ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। तो जो भी है बढ़िया रूट है, फ्रीली अवेलेबल है, ये बात आप सोचो। 35 किलोमीटर की स्पीड में तो हमने देखी ही नहीं, और 60 के ऊपर चले गए 64 किलोमीटर पर आवर। चलो आपको 110 की किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो मिल चुकी है, तो चलो कोई नहीं, एक्सीलेट करते हैं अपनी ट्रेन को। वैसे भी अब हम जो है वो डाउन ग्रेडियंट जाना चालू कर देंगे, से जी टी एक्सप्रेस में क्रॉस दे दिया अभी ट्रैक्स और लोकोमोटिव। तो 12615 ट्रांटक एक्सप्रेस में क्रॉस दे रही है अभी ट्रैक्स और लोकोमोटिव, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रिस्टीज जी एस ट्रेन ट्रांटक एक्सप्रेस, बहुत ही बढ़िया ट्रेन है तो, और काफ़ी पॉपुलर भी है जी टी एक्सप्रेस। ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 1.3% डाउन ग्रेडियंट जा रही है, तो अब टोटल पावर बंद करना पड़ेगा और ब्रेक्स लगाते हैं। होशंगाबाद स्टेशन को स्किप मारेंगे, और होशंगाबाद स्टेशन को स्किप मारने के बाद वीडियो को एंड करते हैं, यानी कि जर्नी पार्ट टू में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन आने वाला है आएगा जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करोगे, उसके बाजू में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हफ्ते में 3-4 दिन मैं लाइव भी आता हूँ, तो जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइव स्ट्रीम पे आप आके मुझसे बात कर सको। तो नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।